नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। धमतरी में विकास यात्रा के दौरान डॉक्टर रमन सिंह नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने नगरवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दे डाली, जिसके बाद सीएम ने आम सभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि सरकार की योजनाएं गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। वहीं सभा को संबोधित करने के बाद सीएम डॉक्टर रमन सिंह नगरी रेस्ट हाउस में लंच के लिए गए। लंच करने के बाद उनकी उड़ान गरियाबाद के लिए खना हुई। वहीं हेलीकॉप्टर के खना होने के आधे घंटे में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जबकि बारिश होने से सभा स्थल के कुछ पंडाल का हिस्सा गिर भी गया, तो वहीं कुछ बैनर पोस्टर तूफान के चलते उड़ गए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री को सुनने व देखने वालों की काफी भीड़ एकत्रित थी, जो कि दूर दूर के इलाकों से आए हुए थी। इससे ग्रामीणों को थोड़ी परेशानी तो हुई, अगर सभा चल रही होती तो भगदड़ मचने की संभावना बन सकती थी। हालांकि पानी गिरने से सभा स्थल पानी पानी हो गया, जबकि टेंट संचालक को थोड़ा नुकसान होने की भी संभावना है। महोदय का स्वागत करेंगे श्रीमती श्यामा सहोदरिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कुंजाल जवांगन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री डेनिस चंद्राकर जी, श्री राजू चंद्राकर जी, श्री कमलेश ठोकरे जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री शिव कुमार जी, श्री यशवंत सोम जी, श्री जय सिंह सोरी जी, श्री सखाराम साहू जी, कमला ओटी जी, हेमलाल साहू जी, अजी बलजी छाबड़ा जी, राजेश नाथ गोसाई जी, सुरज्योति साहू जी, नेम सिंह साहू जी, सहदेव साहू जी, बंसीलाल सोरी जी, रफीक खान जी, गणेश साहू जी, पीलाराम कोराम जी, सुरेंद्र देवांगन जी, भगवती सोरे सांडे जी, हेमलाल ध्रुव जी, घनश्याम साहू जी, रूपेश चोपड़ा जी, दामिनी सिन्हा जी, धनीराम पुजारी जी, प्रशांत चोपड़ा जी, नसरुद्दीन सेठ जी, संजय राम टेके जी, सुरेंद्र ध्रुव जी, पुष्पा देवांगन जी, महेंद्र नेताम जी, अमर सिंह पटेल जी, नारायण साहू जी, डाकेन कश्यप जी, तिकेश्वर ध्रुव जी, ललित मलकाम जी, श्री मके जी, रितु दमन नाके जी, विक्की देवांगन जी, चंद्रभान साहू जी, अजय ध्रुव जी, अर्जुन देवांगन जी, राधे जी, संत राम नेताम जी, चमेली भाई अमिता जी, विनोद गिरी जी, दीपक शर्मा जी, अनुप साहू जी, वामन साहू जी, काला भाई साहू जी, मुक्ता साहू जी, कमला साहू जी, महावीर गुप्ता जी, हेमंत साहू जी, कमल पवार जी, नारायण भाई जी, पार्वती साहू जी, कुमार नायर जी, यश साहू जी, सुरेश साहू जी, उदयराम साहू जी, पवन साहू जी, अशोक संचेती जी, माखन नेताम, प्रदीप दसाई जी, नरेश। विकास यात्रा निकला है, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का वातावरण है, गांव में काम खड़ा हुआ है, गांव गांव में स्कूल खुल गए, महाविद्यालय की स्थापना बड़े बड़े स्थानों में हमने की, एक एक काम को हमने शुरू किया। हमारे कांग्रेस के मित्र विकास का भी विरोध करते हैं। मैंने कहा विकास के विरोध करते हो भैया, जब 60 साल कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला था, सरकार थी 2003 तक, दिग्विजय से लेकर कितने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह चले गए, कभी गरीबों के लिए कोई योजना इस नगरी की सभा में मैं पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्र की जनता से कि कांग्रेस ने कभी 60 साल के अंदर गरीबों के लिए कोई योजना बनाई? सिर्फ नारा लगाया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब और गरीब होता गया, पलायन करता रहा, भूख से मौत होती गई। कांग्रेस ने कभी वोट की राजनीति की? छत्तीसगढ़ में यदि गरीबों के लिए 1 रुपये किलो चावल, नमक और चना की योजना आती है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, कांग्रेस ने नहीं बनाया। गरीबों को चावल यदि मिल रहा है भरपेट खाने को, तो कांग्रेस ने, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने कभी 1 रुपया किलो चावल योजना बनाई थी? कभी कांग्रेस ने 1 रुपया किलो चावल देने की योजना बनाई थी 50-60 साल में? पीछे वाले का भी मैं जवाब सुनना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने अब लगा कि अब आप लोग ने कभी 2,000, 5,000, 10,000 के लिए बीमा की योजना कभी? मेरा भी बना हुआ है ये कोई छत्तीसगढ़ का, तो मेरा गरीब व्यक्ति और बेहतर हो जाता। कभी इन्होंने ना बोनस की चिंता की, इन्होंने ना भी कभी किसान की चिंता की, ना युवकों की चिंता की, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते रहे। आज मैं आया हूं आपके पास, विकास की उन योजनाओं को देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। खासतौर से मैं जब देख रहा था सोनडूर का जो सबसे प्रमुख मांग, सोनडूर प्रदाय नहर की नगरी वितरक शाखा दुगली नहर का विस्तार 60 करोड़ का हुआ, ये सबसे बड़ी मांग इस पूरे क्षेत्र की जनता का। तो मांग है, ये तो कुछ नहीं पड़ेगा, इनके स्वागत के लिए
रमन सिंह मंत्री आज देखा देखेला हम हो है ना काम विकास हो सीसी रोड बने हैं और थोड़ा वो गली वाली मरम्मत हो है अटल योजना बने हैं अच्छा लगा थे ना बहुत भीड़ भाड़ चल रहा है कहाँ कहाँ का है योग मना बहुत लंबा लंबा बोरा तक है ना बहुत तो कम से कम 8-10 हजार होगी लगभग सामने काम का तो योजना है बना रहे थे देना सिर्फ ये सामने बस से यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ रमन सिंह के कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं नगरी में पहली बार देखने आए हैं खुशी है बहुत है हाँ हुआ है अब समस्या तो अब हमारे मजदूरों का मतलब नरेगा पेमेंट का है एक्सिस बैंक का समस्या बहुत बड़ी समस्या अब देखते हैं अभी तो और साल भर बाकी है देखते हैं खुश है अब देखेंगे समय अभी है सोचेंगे।